मेरा माफी जंतु जो वही भगवान को क्या समझेगा, संग ब्रह्मा भी नहीं समझ पाया। भागवत में लिखा कोई कहते हैं ब्रह्मा मध्य स्कूल ब्रह्मा का मौन स्वीकार नहीं करते, लेकिन भागवत में जो लिखा है कोई उद्देश्य नहीं लिखता है, उद्देश्य है। इसलिए भागवत ने वेदव्यास मुनि नहीं लिखा जो ब्रह्मा लीला करने के लिए ऐसा कर रहा है, ये बात नहीं लिखा। जो शिक्षा के लिए जो लीला होता है उसे एक कथा लिखने से उसका कीमत कम हो जाता है, जानते हुए भी नहीं लिखता है। हम लोग का सृजन करने वाला ब्रह्मा जी जो है, जो तुम भी स्वयं अपने चेष्टा से नहीं जान पाया, तुम कहाँ से आ गए, यही बात शिक्षा है। शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। वहाँ वेदव्यास मुनि लिख सकता था ये किया जब ब्रह्मा जी किया ये लीला, ये बात नहीं लिखा। उसमें क्या होगा, जो शिक्षा देने के लिए प्रसंग है उसका जबर जोर देने के लिए वो कमती हो जाता है। वो लोग नहीं जानते, वेदव्यास में नहीं जानते, हम वेदव्यास में ज़्यादा जान लिया, ऐसे नहीं। ब्रह्मा जी कृष्ण का बारे में सुना, ब्रजवासी कहते हैं ये स्वयं भगवान है, ये कैसे भगवान हो सकते। मेरा सिस्टर प्राणी नंदग्वाल उसका लड़का है, कैसे भगवान हो सकते। मेरा भगवान तो मैं जानता हूँ, उनका तो ऐश्वर्य रहेगा, भगवान सरैश्वर्य वासुदेव मेरा भगवान चतुर्भुज, इनका तो कुछ ऐश्वर्य है ही नहीं, ये तो ग्वाला का लड़का है। बछड़ा लेके जंगल में जाते हैं ग्वालों का, छोटा छोटा कपड़ा पहन के लट्ठी, अरे एक बासी है वो बहुत जो थीन बेम्बू बहुत ऐसा बेम्बू है उससे बासी बनाता है, वही बासी बजाता है, तो क्या कीमत है। फ्लूट मेड फ्रॉम ए थीन बेम्बू करीब है। ये बान का जो जंगल का फूल है उसका माला पहनता करीब है ऐसा, और आभूषण नहीं है, एक चिड़िया मोर उसका पुच्छ सिर में लगा लिया। भगवान ऐसे नहीं होता है, भगवान को हम जानते हैं। लेकिन जब आकाश में देखा मेरा बहन इतना को मार दिया और मेरा भाई बकाश मार दिया, मैं सारा ब्रज का जितना है बच्चा को खा डालूंगा। तो वो बच्चा होता है माँ बाप का प्यारा होता है, वो खा डालने से वो रोते रोते सब मर जाएगा। इसलिए माया विस्तार करके बारह माइल होके बहुत बड़ा अजगर सर्प का माफी होके पहाड़ का माफी, एक ओठ नीचे में है वन जो अनदर जो ऊपर एक आ कर
तो बछड़ा चढ़ाते थे, छोटा छोटा बच्चा है, देख लिया आए ब्रज का एक सौंदर्य जो देख, कैसे एक पहाड़ है सांप का माफी, लेकिन इसका अंदर में एक गुफा है, वो पेट का अंदर में गुफा देखा, जवान को देखा एक भाल और एक अच्छा पीच का रास्ता है, अच्छा रास्ता है, उसमें जाके देख सकते हैं कि क्या भीतर में है। जवान कृष्ण थोड़ा दूर में है, कृष्ण देखा ये सब ग्वाल बाल बचरा एक असुर का पेट का भीतर में जा रहा है, लेकिन उसके भीतर में जा रहा है, ऐ माना करने से पहले ही वो एकदम घुस गया, घुस के वहाँ पर एकदम गला का पास जो गुफा, क्या गुफा है, वहाँ से जहर का गैस आया, आने से वो लोग सब मर गया। अभी इंतजार कर रहा है कृष्ण है, वो आने से फिर मुख बंद करके सबको खा डालेंगे। कृष्ण दौड़ के आया, भीतर में घुस गया, जब घुस गया तो मुख बंद करेंगे, दीर्घ विष्णु हो गया ना, और कृष्ण अपना शरीर को बढ़ा दिया, ये तो साधारण नहीं है, बढ़ा दिया, ओट को नीचे नहीं ले आ सका, और बढ़ाने लगा बढ़ाते उसका सांस बंद हो गया, ब्रह्मरंध्र भेद करके उसका प्राण निकल गया, इतना बड़ा जानवर दैत्य को दानव को मार दिया। उसके बाद जितना बचना है ग्वाल बाल है अमृत में निगाह से सबको जिंदा कर दिया, तो हम लोग तो मर गया था कैसे जिंदा हुआ, शायद एक कन्हैया किया, कन्हैया अब तो खाना पीना नहीं हुआ, कितना समय चलेगा उनका मालूम ही नहीं है, शाम को अभी भोजन करने पड़ेगा, हम लोग ले आया है कुछ, चलो 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 कहाँ पर भोजन करें, भोजन थाली हम लोग जाते हैं ना, वहाँ पर सरोवर है, वो प्रेम नृत्य से देखा जाएगा, अभी छोटा हो गया, बहुत बड़ा सरोवर है, वो सरोवर का किनारा पर सब बैठ गया, और अपना अपना जो पैर के ऊपर में लटक के रख दिया बांध के, वहाँ से ले आ रहा है, कृष्ण को खिलाएगा, कन्हैया अभी खाने पड़ेगा, ठीक है, कृष्ण खा रहा है, कैसे खा रहा है, अभी उनका बाएं हाथ में दोधी योगर्ट राइस वन मर्सल राइस होल्डिंग लेफ्ट एंड पाम ऐसे दे बाएं हाथ में, अब वंशी कोमल का अंदर घुसा के रखा, बाम बगल बेत्र विषाण है, खा रहा है, कन्हैया तू बैठ के खा, हम लोग को बछड़ा को ले आने पड़ेगा, भाई बहुत तू चला गया, रात हो जाएगा वो घर में वापस जाने में देर होने से माँ बाप गुस्सा करेगा, इधर में ब्रह्मा जी जब देखा जो अघासुर को मार दिया, अरे इतना छोटा से बच्चा है ग्वाला का लड़का, इतना बड़ा असुर को मारा कैसे, तब परीक्षा करने के लिए आया, अरे परीक्षा करने के लिए भी नहीं आया, मैं जाके देखू, वहाँ गया, कहते हैं सब ग्वाल बालों ने, कन्हैया तू यहाँ बैठ के खा, भगवान को तू कहता है,
है, भगवान नहीं है। भगवान का तो आप बहुत संबोधन करके बोले। फिर भगवान होते हुए खब्बा हाथ, खब्बा हाथ पंजाबी भाषा बोल दिया, बाएं हाथ में और खाता खाने का नियम नहीं है शास्त्र में, वेद का विधान नहीं है, बाएं हाथ में धोधी अन्न रख दिया, ये भगवान हो ही नहीं सकता है। तू बैठ के खा, कृष्ण कहते नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला ले आ सकता, सब बछड़ा को ले आऊँगा, तुम लोग यहाँ पर बैठ के खाओ। बछड़ा को ढूंढने को गया, अच्छा ठीक है, वो बछड़ा को चूरी करके ब्रह्मा लेके सुमेरु पहाड़ का गुफा में रख दिया। आप कृष्ण बछड़ा को ढूंढने लगा, हर एक को पूछने लगा, मेरा बछड़ा, हम लोग का बछड़ा यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर आए थे, हम वो बछड़ा कहाँ देखा आप लोग, नहीं भाई नहीं देखा। तो बछड़ा जब नहीं मिले हम वापस कैसे जाएंगे, वापस कैसे जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम देखा नहीं। तो ब्रह्मा जी हंसने लगा, ये भगवान है, कौन ले गया वो मालूम ही नहीं है, इतना आदमी को पूछ रहा है और चिंता में निमग्न है, ये कोई भगवान है, भगवान तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है, मैं ले गया वो भी मालूम। हाँ हाँ ठीक है, तुम भगवान के यहाँ रहो, जब नहीं मिला वापस आया, ग्वाल बालों को ले गया चोरी करके सुमेरु पार को, ग्वाल बाल को ढूंढने लगा, तो ग्वाल बाल नहीं देखा तो कृष्ण रोना शुरू कर दिया। कृष्ण का माया ब्रह्मा सबसे बड़ा है, रोना शुरू कर दिया, हर एक को पूछने लगा, बछड़ा खो गया, ग्वाल बाल खो गया, मैं कैसे वापस जाऊँ। हर एक के पास पूछता है, एकदम जमुना का किनारा पर पहाड़ का नजदीक में सब जगह में, और रो रहा है, हाँ हाँ तुम वहाँ पर भगवान होकर बैठा बैठा रहो। मुस्करा के ब्रह्मा जी चला गया, तो कृष्ण भी मुस्कराया, मुस्कर के जितना बछड़ा था इतना बछड़ा हो गया, जितना ग्वाल बल था इतना ग्वाल बल हो गया, जैसे बछड़ा है ऐसा, जैसे ग्वाल है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ ईश्वर, कर सकता है जो किया उसका उल्टा कर सकता है, उल्टा का पलटा कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर सुप्रीम लॉर्ड हु इज ऑल पावरफुल, ही हैज टेकन द फॉर्म ऑफ ऑल द कावर्ड बॉयज एंड कॉब्स, एग्जैक्टली द सेम, उसका एकदम कोई समझेगा नहीं, देखो खो गया। घर में जैसे आता है वापस आया, थोड़ा रात हो गया, देखा अपना बच्चा आ गया, आ गया, फिर उसको गोप गोपी आया, उसको स्पर्श स्पर्श रोमांच कंपोज, अरे ये क्या हो गया, अरे हम लोग तो संसार में फंसा नहीं था, हम लोग तो कृष्ण में हमारा आसक्ति है, संसार बाहर में है, लेकिन ये बच्चा को स्पर्श हो गया, ऐसे कृष्ण का स्पर्श हो गया, बोध पर लिया, इतना आनंद हुआ, दोनों आंखों से आंसू का धारा निकलने लगा, रोमांच कम पोस, इतना आनंद, क्या बात है। भगवान होता है भगवत वत्सल कृतज्ञ समर्थ प्रधान, हे न कृष्ण छारी पंडित नहीं भजे अन्न, वही गोपी का अंदर में भीतर में आकांक्षा, गोप का अंदर में हमारा नंदन नंदन कृष्ण को भी हमारा बच्चा होके आएगा, हम उनको
प्यार करेंगे, चुंबन करेंगे और गोपी से उनको स्तन पिलाएंगे, ऐसा होगा गोपी? बाहर में बोला नहीं, भीतर में दुख है। भगवान का पार्षद तो कोई ले सकता है कि इसका हिम्मत है? एक तरफ ब्रह्मा जी जो अपना हिम्मत से भगवान को पहचानने गया, ऐसा भगवान को कोई नहीं जान सकता है, शिक्षा देगा। और एक है वही गोपी का इच्छा पूर्ति करेगा। स्वयं पुत्रों के आ गया, वो लोग समझा नहीं, कृष्णों के नहीं आया पुत्र, लेकिन स्पर्श होता है कृष्ण का हो गया। और लोग अष्टशक्ति विकार ऐसे देखे, दाऊ जी समझ लिया ये क्या हो रहा है, ये शायद कृष्ण का इसका चालाकी है, कृष्ण ही कर रहा है शायद। दाऊ जी फिर मत लिया, एक साल तक उनको इच्छा पूर्ति किया। उसका बाद ब्रह्मा जी आया देखने के लिए, आगे देखते वही बच रहा, ग्वाल बाल घूम रहा है। अरे ये तो बहुत चालाक है, मैं सुमेरु पहाड़ को गुफा में रख दिया, कितना करोड़ माइल दूर में है, इसका मालूम कैसे हुआ? फिर गया सुमेरु पहाड़ में, जाके देखते वहाँ पर तो वही बच रहा है, ग्वाल बाल है, श्वा पर है, श्वा पर है, गलती देखा। ब्रज में आके देखते हो चलता है, और वहाँ जाने से चार शीर है, चार शीर से इधर भी देखता है उधर भी देखता है, इधर भी ग्वाल बाल है उधर भी ग्वाल बाल है, वो श्वा है या चल रहा है। जो वहाँ पर गया, जो ग्वाल बाल का जैसा सूरत है, कंठ का आवाज है, ऐसा लंफ प्रदान झंप अर्थात जो कूदना, ये सब जितना जितना किस्म का है शरीर में कोई चिन्ह है वो भी है, सारा एकदम ठीक है, कोई समझा नहीं जे कृष्ण नहीं है हमारा लड़का, एक कृष्ण है लड़का नहीं, ये नहीं समझा, समझे लड़का ही है, क्या हो गया, हम लोग संसार में फाट किया ऐसे समझे, असल में उनकी इच्छा पूर्ति किया। और ब्रह्मा जी को देख के जो दोनों तरफ एक साथ में देखा, यहाँ भी ग्वाल बाल है, यहाँ यहाँ भी बच रहा है, माई माई नहीं, जिनके माया से दुनिया मोहित होता है वो मेरा जरूर ईश्वर है, मैं गलती किया, मैं समझ गया, मैं अपराध किया, मेरी माया से दुनिया मोहित हूँ, मैं जिनके माया से मोहित हूँ मेरा ईश्वर है, तो उनके चरण में शरणागत हूँ, गिर पड़ा। जब शरणागत तो दिल से होंगे तब साथ साथ में फल न फलकार मनोमी होते, फलद्वर फलकार को अनुमान करो हम शरणागत तो हुआ कि नहीं, दिल से अत्यंत अनुतप्त होकर शरणागत हुआ, साथ साथ में कृष्ण देखा, जितना ग्वाल बाल बच रहा है सब वासुदेव है, शंख चक्र कदा पद्मधारी कृष्णधारी प्रीत कुश वसुंधारी, ओ मेरा इष्टदेव है, मैं तो समझा था ये बचरा है ग्वाल बाल है, बेहोश गिर पड़ा, एकदम उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, फिर कृपा किया, बचरा भी नहीं आए, ग्वाल बाल भी नहीं आए, कृष्ण सब लिखा है, एक कृष्ण खड़ा है, वासुदेव मूर्ति भी नहीं है, बाएं हाथ में द्वधी अन्न है, कुंभ में बंशी घुसा के रख दिया, बाम बगल वेत्र विशान है खारा है, और उनसे अनंत वासुदेव निकल रहा है, एक दुई नहीं। तब ब्रह्मा जी समझा जो हमारा आराध्य है उसका भी कारण ही नंदन नंदन कृष्ण है,
तब स्तोप शुरू किया जो हम लोग पुरुषोत्तम महीने में नौ विरुद्धा प्रभु से तुरी दाम भराय गुंजवंश परिविच लसन मुखाए वर्ण सद कपल वित्र विषान बेन लक्ष्मण विधिपोधे पुष्पांग जाए स्तोप ब्रह्मा जी स्तोप कर रहा है आप पूज्यतम है समा वैश्वर्य माधुर्य का मूल है आपका वर्ण है घन मेघ का मफिक वर्ण नो विद अप्रभुषे त्वरिदाम बनाए ऐसे तो पी तो वसन है उसका चमत्कारिता होता है बिजली का माफिक है चमत्कार विद्युत गुंजवत अंश ये जो आपका बदन कमल है गुंजदर विरचित है कर्ण भूषण है मयूर पुच्छ धारा बहुत सुंदर है और जो बाएं हाथ में द्वितीय अन्न है उसको देख के कहा ये तो वेद का विधान को नहीं जानते इनका इसका माफिक माधुर्य और कोई स्थान पर नहीं है वही पशुपांग जायो आज पाप पद्म बहुत कोमल है सब उस पाप पद्म द्वारा शोभित तो है वृंदावन धाम है उनका पदचिन्ह द्वारा आओ पशुपांग जाए मतलब वही कोप रूप से जन्म लिया है नंद महाराज नंद महाराज गोप को पालन करने रहे गाय को पालन करने वाला गोप है गोप का इसलिए पशुपांग हो जाए मृदुवधे पशुपांग हो जाए तमाम वस्तु का सब का कारण है वहाँ पर ही बोला अथा पिति दिव पदाम्बुज प्रसाद लेशानुग्रीत जान दत्तंग भगवान बहिम चंद्र को विचरण विचरण हे कृष्णा आपका जरा से कृपा जिनको मिला है वही आपको जान सकता है जिनको कृपा नहीं मिला हमेशा जब ढूंढे तब तो आपको मैं ही मिलेगा नहीं मिल सकता है इस प्रकार बोला वहाँ पर वही जिस स्तोप में ज्ञानी लोग जो उनको ब्रह्म रूप से देखते हैं ब्रह्म योगी लोग का जो उपासना है और उनका शांत दर्श सख तक बोला और वात्सल्य में दूर से प्रणाम किया ब्रह्मा जी वात्सल्य वही भगवान को स्तन पिलाता है ये गोपी सब ये कैसा है दूर से प्रणाम के बाप एकदम सुनते हैं जैसा आनंद हुआ भगवान का वही गोपी का गोद पर रह के लगी ये तो कभी देखा नहीं और कांत रस के बारे में बोला ही नहीं वात्सल्य रस के में दूर से प्रणाम किया इसी प्रकार उनका ही जो बौर से वो नंद महाराज हुआ जशोदा देवी हुआ जो बसु श्रेष्ठ है और धरा है तपस्या किया था तपस्या से ब्रह्मा जी का बौर में ही हुआ लेकिन ब्रह्मा जी खुद ही नहीं समझ सकता है देखा है और उसका देख के हम लोग इतना हवन करता है इतना कुछ करता है भगवान का वेद मंत्र उच्चारण करके कितना उच्चारण करके भगवान को सुख देने के लिए भगवान से सुख ही नहीं होता है लेकिन यही गोपी का पुत्रों के स्तन पान करके इतना आनंद हुआ ये पुनः पुनः कर रहा है इनका दर्जा कितना उच्च कोटि का है हो भाग्य हो भाग्य नंद को जो घोष जन्मित परमानंद भुन्न ब्रह्म सनातन इनके कहे ना इसलिए वही ब्रह्मा जी भी मोहित हो गया
दूसरा का बात छोड़ दो। अभी देखिए वही शिव जी भी मोहित हो गया। शिव जी तो भुलाना था है ना, सब जगह जाना चाहिए। भक्त है हमारा विष्णु संप्रदाय का एक विष्णु समी संप्रदाय का रुद्र है, जहाँ पर जो होगा वहाँ जाना चाहिए। शिव जी का छोड़ेगा नहीं भोलानाथ। जब सुना समुद्र मंथन करने का बात, वहाँ पर मोहिनी मूर्ति धारण करके सब असुरों को वंचना करके सिर्फ राहु थोड़ा कुछ बीच चंद्र और सूर्य के बीच में बैठ गया था, मुख में दिया था लेकिन गर्दन काट दिया राहु केतु, और किसी को नहीं दिया। वही जो अमृत का भंडार इतना मूल्यवान वो लेके भाग गया था, लेकिन वही अमृत भंडार लेके फिर वहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया भगवान की इच्छा से। फिर वहाँ पर भगवान मोहिनी मूर्ति धारण करके उसको देख के सब एकदम चुपचाप हो गया, इतना सुंदरी कोई दिखाई नहीं, तो बात नहीं करते, सब कहते जो झगड़ा करने की जरूरत नहीं, उनको पास जाइए आप, हम लोग को झगड़ा मिटा दीजिए। मैं तो क्या झगड़ा मिटाऊँगा, आप लोग कुछ बोल नहीं सकेगा जो हम करेंगे, नहीं हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, आप ए लीजिए हम अमृत का भंडार देंगे। वो देखा ऐसा ओसुर जो प्रकाश किया, सारा ओसुर देखता है मेरा ऊपर निगाह दिया, मुझे ही मिलेगा, ये मिले तो उनका हमारा जरूरत नहीं है। इतना सुंदरी इतना तो मोहिनी मूर्ति को भी देखा नहीं, ऐसा ओसुर जो प्रकाश किया, हर एक ओसुर देखता है कि उनके ऊपर ही निगाह दे रहे, मोहित तो के दे दिया, देने के बाद सबको लाइन कर दिया, लाइन कर दिया। अभी वही अमृत बंटन करने लगा, बंटन करते करते तो देखा जिस देवता से शुरू किया, अरे हम लोग को बनने का देवता से शुरू किया, तो राहु जाकर उसको अंदर में बैठा था, उनका पत्तल में भी अमृत दे दिया, वो मुख में दिया, उनका गर्दन काट दिया राहु के तो, और किसी को नहीं दिया। ऐसा होता है ना, जो खीर ज़्यादा होता है यहाँ तो ज़्यादा होता है, बांग्ला मुल्क में थोड़ा कमती होता है, खिचड़ी होता है, खिचड़ी लाफड़ा देता है सबको, परवान जब देता है ना, तो जहाँ से शुरू करता है आखिरी का आदमी समझता है हमारे पास आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं चिंता होता है। इधर में तो खीर बहुत मिलता है, मिल जाता है, लेकिन बांग्ला मुल्क में ऐसा है तो वो खीर दे देते आखिरी में सबका डर होता है। तो इस बार वो लोग वंचित हो गया, तो शिव जी भगवान का मोहिनी मूर्ति तो मैं नहीं देखा, अपना उमा को लेके भगवान के पास आया, पार्षद को लेके प्रार्थना की, आपका मोहिनी मूर्ति वहाँ पर प्रकाश कर दिए, आप सब उसने उनको मोहन कर दिया, मैं उनको देखने के लिए चाहता, मेरी इच्छा पूर्ति है, तुम भी मोहित हो जाओगे। उसका बाद मोहिनी मूर्ति जो ले, इसमें एक ग्रंथ भी बढ़ रहा है, वो देख के तो ऐसा लीला किया, देख के एकदम मोहित हो गया, साथ में उमा है, और वही मोहिनी मूर्ति तो साक्षात कृष्ण है, कृष्ण का भक्त तो है रुद्र, कृष्ण स्त्रीदेव है तो कृष्ण है, वो उसका पीछे पीछे दौड़ने लगा, उससे चांदी सोना का सब खोली हो गया वही शिव जी से। आखिरी में शिव जी को फिर कहा, वही शिव जी को महात्म बोला, बोल के उनका भी शिव जी भी मोहित हो गया,
जहाँ पर शिव जी ब्रह्मा जी मोहित हो गया, मैं एक जानवर, मैं क्या आपका महात्म मैं बोल सकता हूँ। ये तो दुर्ग्यो चरित्र है ऋषि मुनि जो नहीं जानते। ऋषि मुनि का भी उनका भी दुर्ग्यो है। समय हो गया दिद्रिक खबर, दिद्रिक खबर जस पदम सुमंगलम विमुक्त संग मुनय सुसाधव चरंत लोक व्रतम अभ्रणंग बने भूतात्म भूता श्री दशमे गति।